तीसरी बार के भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन। दोस्तों नमस्कार, खबर की पूरी जानकारी बता दें, सलूम्बर से लगातार तीन बार के भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का बुधवार देर रात उदयपुर में निधन हो गया। मीणा को तबीयत बिगड़ने पर रात के करीब 1:15 पर MB हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। रात 2 डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमृतलाल की आदिवासी नेता के तौर पर भी पहचान थी, तो मौत के कारण का जो है हार्ट अटैक कारण जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो है स्थिति साफ हो जाएगी। मीणा के निधन की सूचना मिलते ही उदयपुर और सलूम्बर के भाजपा नेता व कार्यकर्ता जो है अस्पताल पहुंचे। गुरुवार दोपहर 3 उनकी पार्थिव देह जो उदयपुर से उनके पैतृक गांव लालपुरिया लाई गई, यहां पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए जो है रखा गया है। मीणा का अंतिम संस्कार थोड़ी ही देर में गाँव के लालपुरिया में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गाँव लालपुरिया स्थित अमृतलाल मीणा के घर पहुंचकर उनकी पार्थिव देह पर पुष्प और चक्र अर्पित किए हैं। CM ने उनके परिजनों से मुलाकात कर उनके ढाढ़स बधाया है। इससे पहले दोपहर करीब 1:30 उनकी पार्थिव देह को सलूम्बर के डाक बंगलों में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि दी। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर AR सुमन ने बताया कि बुधवार रात को करीब 1:15 उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर आए थे। तब तक कोई धड़कन जो है वह नहीं थी, कोई सांस नहीं थी। इसके बाद काफी कोशिश की थी, लेकिन सांस जो है वो नहीं आ पाई। सलूम्बर जिले के लालपुरिया गांव में साल 1959 में जन्मे अमृतलाल मीणा 20 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे। मीणा ने साल 2004 में पंचायत समिति सराड़ा के सदस्य के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी। उसके बाद 2007 से 2010 तक जिला परिषद उदयपुर के सदस्य जो हैं वो रहे, और 2010 में पंचायत समिति सराड़ा के प्रतिपक्ष नेता जो हैं वो बने। पहले विधायक 2013 में चुने गए। उन्होंने कांग्रेस की बसंती देवी मीणा को जो है हराकर वो विधानसभा में पहुंचे थे। उसके बाद 2018 और 2023 में कांग्रेसी दिग्गज नेता रघुवीर सिंह मीणा को हराकर विधानसभा में पहुंचे। मतलाल राजस्थान विधानसभा में प्राकलन समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, विशेषाधिकार समिति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य भी रहे। बुधवार देर रात करीब 2 डॉक्टरों ने अमृतलाल मीणा को मृत घोषित कर दिया। अब थोड़ी ही देर में उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। जुड़े रहे तमाम प्रकार की अपडेट के लिए द खटक के साथ, मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।